भारत की अध्यक्षता में G20 की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। आगामी 9 और 10 सितंबर को G20 की तैयारियां पूरी करने के लिए जो नियम है, पुलिस एडवाइजरी भी लागू की गई है। मेट्रो का जो समय है वो 8 से 10 तारीख तक सुबह 4 से 6 बजे तक के बीच में रहेगा। लिहाजा सुरक्षा की दृष्टि को लेकर इसका समय में बदलाव किया गया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस समय की बदलाव को लेकर पहले ही जिन अपने गंतव्य तक जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं और सुबह 4 बजे आ गए। सर, G20 को लेकर समय में बदलाव किया गया है? समय में ये बदलाव किया गया है कि हर आधे घंटे में मेट्रो है और कोई दूसरा साधन नहीं है यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए। और हम लोग टूरिस्ट लोग हैं, मुंबई से आए हैं जो हम लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो आधे आधे घंटे में ये मेट्रो है, तो इसीलिए बस यही एक ऑप्शन है हमारे पास ट्रैवल करने के लिए। अभी हमारी फ्लाइट 9:35 की है, बट हमें अभी 5:30 बजे निकलना पड़ रहा है क्योंकि आगे नहीं पता कि हमें क्या साधन मिले नहीं मिले। तो आप पहले भी आ चुके हैं, लेकिन ये G20 को लेकर आप लोगों को जानकारी थी कि इस तरह के बदलाव किए गए? नहीं, हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी, हमें यहाँ पे पहुँचने के बाद ये जानकारी मिली एक्चुअली, क्योंकि मुंबई में जब हुआ था तो शायद इतना हमारा नहीं हुआ, तो बस इतना ही था सर। तो ये मुंबई से आए हैं लोग और अब वापस जा रहे हैं, तो लिहाजा सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए G20 सम्मेलन में जो विदेशी मेहमान आएंगे, 18 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, उनकी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए पुलिस एडवाइजरी की गई थी। ट्रैफिक में चेंजेस किए गए थे, रूट डाइवर्जन किए गए थे और उसके साथ ही साथ मेट्रो स्टेशनों का भी समय में बदलाव किया गया था। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मेट्रो स्टेशन मिलेगी और लेकिन एक आधे आधे घंटे के अंतराल में ये मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो चलेंगी। कैमरा पर्सन निदीम के साथ अंशुमन यादव, TV9।